हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने काले लिनक्स या काले लिनक्स को हम लोग एज ए वाईफाई जैमर के रूप में कैसे यूज ले सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग अपने काले लिनक्स से वाईफाई जैमर कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग अपने पीसी को ही वाईफाई जैमर में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप लोग उसे भी वाईफाई जैमर के तरह यूज में ले सकते हैं। यही सेम कमांड दे के, बस शर्त यह है कि उसमें नेट हंटर इंस्टॉल होना चाहिए और जो है आपका स्मार्टफोन रूटेड होना चाहिए। तो यदि आपका स्मार्टफोन रूटेड है और उसमें काली का नेट हंटर इंस्टॉल्ड है तो आप लोग सेम कमांड को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो है काली लिनक्स को पीसी में इंस्टॉल करके इस कमांड का यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आई डब्ल्यू कॉन्फिग कमांड का यूज करके हम लोग को अपने इंटरफेस को देख लेना है कि हमारे पास कौन कौन से इंटरफेस है। तो हमारा जो है WLAN 0 इंटरफेस है, ये जो कि हमारे वाईफाई एडेप्टर का है। तो यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहले हम लोग यदि जैमर बनाना चाहते हैं तो हमें ये देख लेना होगा कि जो हमारा वाईफाई एडेप्टर है वो मॉनिटरिंग मोड को सपोर्ट करता है या नहीं। तो अभी जो है हमारा जो है ये अभी मैनेज्ड मोड में है, तो हम लोग इस पर सबसे पहले मॉनिटरिंग मोड को इनेबल करते हैं। इसके लिए कमांड हमें देना होगा एयरमोन एनजी स्टार्ट WLAN 0 को हमें स्टार्ट करना है। चैनल वन पे हम लोग इसे स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो है WLAN 0 जो हमारा वाईफाई का इंटरफेस है, जो एडेप्टर है, वो ऑन हो चुका है हमारे मॉनिटरिंग मोड में उसमें। तो हम लोग यहाँ पे अभी हमारे जो भी हमारे वाईफाई के रेंज में जितनी भी डिवाइसेस हैं हम लोग सब उसको स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे arrow dump ng। यहाँ पे हमने कमांड दिया arrow dump ng। अब उसके बाद अपने इंटरफेस का नाम, तो भी हमारे इंटरफेस का नाम जो है WLAN 0 mon हो चुका है क्योंकि अभी हमने इस पर मॉनिटरिंग मोड को इनेबल कर दिया है। तो हम लोग arrow dump ng WLAN 0 mon यहाँ पे कर दिए। तो हमें जितने भी हमारे यहाँ पे एक्टिव डिवाइसेस होंगी सबका लिस्ट आ जाएगा। तो भी मेरे केस में तो भी मेरी जो है मेरी ही डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे से इसकी BSS ID कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपने ही स्मार्टफोन पे डी ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ। तो अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप लोग एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, चाहे तो यहाँ से ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को कमांड इंटर करना होगा, फिर से एरो डाउन, हमें हैंडशेक के लिए लिसन करना होगा। तो अभी बेसिकली ये तो टर्मिनल काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब और यहाँ पे हम लोग कमांड इंटर करेंगे arrow dump ng और अपना जो BSS ID अभी हमने कॉपी किया है जिस पे कि हम लोग अभी अटैक परफॉर्म करने वाले हैं, तो अभी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यदि हैंडसेट फाइल कैप्चर हो तो उसकी लोकेशन हमने यहाँ पे दे दी है, नहीं तो नहीं भी देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चैनल का नेम देना इम्पोर्टेंट है, तो मैं चैनल का नेम दे दिया और यहाँ पर WLAN 0 mon अपने इंटरफेस का नाम दे देना है। तो यहाँ पे अभी गलत हो गया है, WLAN 0 mon ये है ना। यहाँ पे हम लोग इसको इंटर कर दिया। अभी हम लोग न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग डी ऑथेंटिकेट पैकेट को सेंड करेंगे अपने जो भी हमारे विक्टिम है उसके ऊपर। अभी मेरे केस में मैं अपने ही मोबाइल पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी BSS ID को कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग कमांड देंगे arrow eplay ng -0, फिर 0-0 इसलिए क्योंकि हम लोग जो ऑप्शन 0-0 है उसको यूज ले रहे हैं जिसमें कि हम लोग डी ऑथेंटिकेशन पैकेट को भेजेंगे। उसके बाद 0 जिसमें हम लोग अनलिमिटेड पैकेट भेजने वाले हैं। उसके बाद -a देके अपने BSS ID का नाम जिस पे कि हम लोग अभी ये जो डी ऑथेंटिकेशन टैग है उसको परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे उसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपने इंटरफेस का नाम, तो मेरे इंटरफेस का नाम WLAN 0 mon है। तो यहाँ पे WLAN 0 mon करने के बाद हम लोग इसको इंटर करेंगे। तभी बोल रहा है कि WLAN
कि जो जीरो की मॉनिटरिंग है वो चैनल 3 पे है, जबकि एसएस पॉइंट जो है चैनल 1 पे एक्टिव है, तो हम लोग इसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को कमांड देना होगा एयरमोन एनजी स्टार्ट डब्ल्यू लैन 01 को स्टार्ट करना है हमें चैनल 1 पे। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं चैनल 1 पे। तभी बोल रहा है कि कुछ जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं जो कि इसमें ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग को उसको चेक करके किल करना होगा। तो हम लोग पहले इसको किल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड देना होगा एयरमोन एनजी चेक किल, हमने सारे जो प्रोसेसेस हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं उनको किल कर दिया है। और इसको किल करने के बाद हम लोग फिर से अपना जो है उसको चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से कमांड इंटर कर दिया। कमांड इंटर करने के बाद हम लोग अपना एयर प्ले का जो कमांड है उसको फिर से इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डी ऑथेंटिकेशन जो है पैकेट हमारा सेंड हो रहा है। अब इस DSSID पे जो है हमने डी ऑथेंटिकेशन जिस पे भेजा है पैकेट, उससे जितनी भी डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगी वो डी ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगी, मतलब अब वो सब कनेक्ट नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है वाईफाई जैमिंग को यूज में लेते हैं। अभी इसके हेल्प से मैंने अपने अपने पे परफॉर्म किया है। आप लोग बस जो है आपके रेंज में जो भी BSSID जो है एक्टिव हो, आप लोग उसको कॉपी करके यहाँ से रिप्लेस करके, आप लोग जिस भी BSSID को चाहें यहाँ पर रिप्लेस करके उस पर वाईफाई जैमिंग अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब तक ये अटैक यहाँ से रिक्वेस्ट एक के बाद एक सेंड होता रहेगा, तब तक उस पर कोई भी कोई जो भी जो ये BSSID है, मतलब जो ये नेटवर्क है मेरे रेडमी नोट 7 प्रो से, कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएगा। या जो यदि अपने राउटर का, जिस भी राउटर का यहाँ पे BSSID दिया होगा, उससे कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से जो हमारी सॉफ्टवेयर जैमर है ये वर्क करता है। तो ये जो है अटैक आप लोग काले लिनक्स से परफॉर्म कर सकते हैं, या आप नेट हंटर के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आप लोग विंडोज पे भी इसको यूज में ले सकते हैं, बस आपको कई सारे टूल्स जो हैं उसको इंस्टॉल करने होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।